नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पनीर टिक्का कैसे बनाया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पनीर टिक्का के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। 1 ग्लास मिल्क, ये हमने टमाटरों की प्यूरी बना रखी है। 200 ग्राम पनीर, ये है पनीर टिक्का मसाला जो कि आप किसी भी दुकान से, मार्केट से, कहीं से भी ले सकते हो। तलने के लिए घी, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो, लेकिन हमने देसी घी लिया हुआ है। 1 चम्मच बटर। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गैस पर कढ़ाई रख लेते हैं और इसके अंदर घी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डाल देते हैं। जब तक हमारी प्यूरी पक रही है तब तक हम अपने पनीर को काट लेते हैं। अब आप इसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। देखिए कि हमने एक खाली बर्तन लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर मसाले को प्यूरी डाल देंगे और अब इसे हम फुल क्रीम दूध में मिलाएंगे। अब हमने अपने मसाले को फुल क्रीम दूध में मिक्स कर लिया है। देखिएगा, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए क्योंकि इसके अंदर लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसे ध्यान से मिलाइएगा और इसे से मिक्स करके अपने टमाटो प्यूरी में डाल लीजिएगा। देखिएगा, ये पक चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना मसाला डाल देंगे। देखिएगा, हमारे प्यूरी अच्छे से बन चुकी है। जब तक ये पके तब तक हम अपने पनीर को तल लेते हैं। सबसे पहले हम अपने गैस पर कढ़ाई रख लेते हैं और इसके अंदर घी डाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें पनीर तलना है। और अब हम अपने घी के अंदर पनीर डाल लेते हैं। हमने अपने पनीर को अच्छे से तल लिया है। देखिएगा, हमारी प्यूरी थोड़ी गाढ़ी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है। देखिएगा, इसकी कितनी अच्छी और कितनी प्यारी ग्रेवी बनी हुई है। अगर आप इसे घर पर बनाकर खाइएगा तो ये होटलों से भी अच्छी बनेगी। अब हम इसके अंदर पनीर डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। देखिएगा, हमारा पनीर टिक्का तैयार हो चुका है। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखिए, ना तो इसमें कोई मसाला डालना है और ना ही कोई नमक। जो हम मसाला इसके अंदर मिक्स करते हैं दूध के अंदर, उस मसाले में सभी मसाले और नमक पहले से ही होता है। देखिएगा दोस्तों, हमारा पनीर टिक्का का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं।